हेलो एवरीवन, देसी लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 संबंध विच्छेद, जिसको हम आसान भाषा में तलाक बोलते हैं, और जानेंगे किस आधार पर न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है, और जानेंगे संबंध विच्छेद तलाक के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 1 उन आधार के बारे में बताती है जिन आधार पर न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं उन आधार के बारे में। हमारा पहला आधार है दोस्तों, जारता। यदि पति या पत्नी किसी गैर से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो इसके बिहाफ पर न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा दूसरा आधार है दोस्तों, क्रूरता। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने दूसरे पर क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया है तो इसके आधार पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा तीसरा आधार है दोस्तों, अभित्याग। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने किसी को 2 साल के लिए अभित्याग कर दिया है तो उसके बिहाफ पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा चौथा आधार है दोस्तों, धर्म परिवर्तन। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने हिंदू धर्म को त्याग दिया है और कोई अन्य धर्म को अपना लिया है तो इसके बिहाफ पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा पांचवा आधार है दोस्तों, पागलपन। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई पागल है या विकृत चित्त है तो उसके आधार पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा छठा जो आधार है दोस्तों, वो है कुष्ठ रोग। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को कुष्ठ रोग है तो उसके आधार पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा सातवां आधार है दोस्तों, संचारी रोग। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई संक्रमित बीमारी से पीड़ित है और यदि वे एक दूसरे से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो दूसरे को होने की संभावना है तो इसके आधार पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। यहाँ पर संचारी रोग का आशय है दोस्तों, जैसे कि HIV एड्स अगर हुआ हो, अगर वो अपना शारीरिक संबंध दूसरे से स्थापित करते हैं तो दूसरे को भी HIV एड्स होने की संभावना है तो इसके आधार पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा आठवां आधार है दोस्तों, यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी ने संन्यास ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने संन्यास ले लिया है तो उसके आधार पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। हमारा नौवां आधार है दोस्तों, 7 साल से लापता। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई 7 साल से लापता है या उससे अधिक समय से लापता है और उसके बारे में पता लगाया ना जा सका है तो इसके आधार पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो हमने जाना, ये 13 की उपधारा 1 के बारे में। दोस्तों, 13 की धारा उपधारा 2 4 विशेष आधार ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं को प्राप्त है। तो आइए जानते हैं उन 4 आधार के बारे में जो सिर्फ महिलाओं को ही प्राप्त हैं। पहला आधार है हमारा दोस्तों, यदि पति ने पहले से ही कोई शादी कर रखी है
और उसकी पत्नी जीवित है तो महिला इस आधार पर न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है। दूसरा आधार है दोस्तों, यद पति बलात्कार गुदा मैथुन या पशुगमन का अपराध कारित किया है तो महिला इसके आधार पर न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है। हमारा तीसरा आधार है दोस्तों, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत यदि महिला अलग रहते हुए डिग्री प्राप्त कर ली है या सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत महिला के पक्ष में भरण पोषण का आदेश पारित हुआ है, आदेश पारित होने के एक साल के बाद या उससे अधिक समय के बाद तक अगर पति पत्नी में सहवास स्थापित नहीं हुआ है तो इस आधार पर भी महिला न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है। हमारा जो चौथा आधार है दोस्तों, यदि किसी लड़की की शादी 15 वर्ष से पूर्व में हुई हो और वो 18 वर्ष पूर्व होने से पहले ही इस शादी का निराकरण कर दिया हो तो इस आधार पर भी महिला न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है। दोस्तों हमने जाना किन आधार पर संबंध विच्छेद तलाक लिया जा सकता है। दोस्तों अब हम जानते हैं तलाक लेने का सबसे आसान तरीका क्या है। दोस्तों धारा 13B जो कि म्यूचुअल कंसेंट आपसी सहमत से तलाक लेने का प्रावधान है। दोस्तों यह प्रावधान सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है क्योंकि इसमें पति पत्नी ना ही ज्यादा परेशान होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, ना ही इसमें ज्यादा समय लगता है अन आधार के अकॉर्डिंग। क्योंकि दोस्तों जितने भी मैंने पहले आधार बताए उनमें केस बहुत लंबा चलता है जिसमें पति और पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित या परेशान होते हैं, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट दोस्तों आपसी सहमत तलाक लेने का सबसे आसान और सरल तरीका है। इसके लिए दोस्तों यदि पति या पत्नी एक साल से अधिक या एक साल से अलग रह रहे हैं और उनको लगता है कि कभी भी हम एक साथ नहीं रह पाएंगे तो इसके आधार पर भी न्यायालय में संबंध विच्छेद के लिए आवेदन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए शादी एक साल होना जरूरी है, शादी के एक साल के बाद ही म्यूचुअल कंसेंट आपसी सहमत से तलाक लिया जा सकता है, इससे पहले तलाक नहीं लिया जा सकता है। अगर आप आवेदन करेंगे इसके बाद न्यायालय आपको 6 महीने का मौका देता है कि आप दोबारा से संबंध स्थापित कर एक साथ रहना चालू कर दें। अगर आप नहीं रहते हैं इसके बाद अगर 18 महीने तक आप आवेदन नहीं करते हैं एक साथ रहने का तो न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाता है जिससे आप लोगों का तलाक हो जाता है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।